हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। में हूँ आपका दोस्त आपका भाई कुणाल। और आज की इस वीडियो में जो है मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ अपनी पल्सर 180 के मॉडिफिकेशन को लेके, जो हेडलाइट को लेके आपके क्वेश्चंस है, वायरिंग को लेकर जो है, और स्पीडोमीटर को लेकर के जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसके आंसर में इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में देने वाला हूँ। क्योंकि सारे जो कॉमेंट्स वगैरह आते हैं, आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, उनका सबका रिप्लाई करना पॉसिबल हो नहीं पाता, तो इसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ और इसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कॉमेंट के कंपेरिजन में। तो सबसे पहले हम बात करें हेडलाइट के। जो हेडलाइट के 13 LED हेडलाइट है, इसके जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि क्या हम इसको स्प्लेंडर में फिट कर सकते हैं या डिस्कवर में फिट कर सकते हैं, पल्सर 180, 135 या 150 में फिट कर सकते हैं। तो ये जो हेडलाइट है ये यूनिवर्सल है भाई, ये किसी भी बाइक में आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी बाइक के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर दो होल दिए होते हैं, राइट हैंड साइड पे भी दो होल दिए होते हैं बोल्ट वगैरह को फिट करने के लिए, जिससे कि LED हेडलाइट आपकी इजीली फिट हो जाती है। कोई इसमें एक्स्ट्रा जो है फिटिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पर एक जो क्लैंप देख रहे हैं, जो ब्लेड है मैंने यहाँ पर वेल्ड किया हुआ है। ये जो ब्लेड है ये यहाँ पर मैंने वेल्डिंग करवाई हुई है। जो ये वाला पार्ट था ये स्ट्रेट पार्ट था, इस पर पहले जो हेडलाइट थी वो लगी होती है, जो हमारी पल्सर 180 की जो हेडलाइट होती है जो कंपनी की तरफ से आती है। उसके बाद जैसे हम उसको पार्ट को निकालते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ दो ब्लेड दी होती है, ये वाली जिसमें इंडिकेटर भी लगा होता है और इसी पर जो है मास्क जो फेयरिंग वगैरह वो इस पर ही फिट होती है। तो मैंने दोनों क्लेम को ऐसे बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद में यहाँ पर दो ब्लेड जो है वेल्डिंग करवाई, एक इस साइड और एक इसके जस्ट अपोजिट साइड। तो ये ब्लेड्स जो है वेल्डिंग करवाने के बाद में यहाँ पर इनको बोल्ट से हेडलाइट को फिट कर दिया। तो यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आप किसी भी बाइक के अंदर इसको फिट कर सकते हो इजीली, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रही बात इसकी वायरिंग की, तो वायरिंग का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल है। आपकी जो हेडलाइट है बाइक की, उसमें पीछे कपलर दिया होगा जो होल्डर है ये बाइक के बल्ब का, सिर्फ आपको जो हेडलाइट का कपलर है इसको इसके अंदर इजीली बस प्लग कर देना है और टेपिंग कर देना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगी हेडलाइट की। अब रही बात DRL की, जिसमें दोनों ऊपर और नीचे की DRL है, उसकी वायर को आपको कहाँ पर कनेक्ट करना है, उसकी वायर को आपको कनेक्ट करना होगा। जो हमारी बाइक की जो हेडलाइट है उसमें दोनों तरफ पार्किंग लाइट जलती है, उसकी वायरिंग से आपको उसकी DRL की वायरिंग कनेक्ट करनी होगी। सिर्फ यही इसकी वायरिंग का है, इसके अलावा कोई वायरिंग का नहीं है। इसमें काफ़ी सिंपल ईजी प्लग इन प्ले वाला काम है, तो आप ये कर सकते हैं ईजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिले इंस्टॉलेशन में, किसी भी बाइक में आप इसको फिट करवा सकते हैं, कोई भी बाइक को, ये यूनिवर्सल हेडलाइट है। नेक्स्ट जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं वायरिंग को लेके, कि इसकी जो वायरिंग है आपने किस तरह से हाइड की है। तो इसमें मैंने जैसे भी आपको बताया कि जो हेडलाइट की दोनों ब्लेड होती है, दोनों साइड की तीन ब्लेड, आप जैसे हेडलाइट रिमूव करेंगे तीन ब्लेड मिलेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड और एक नीचे की साइड। तो नीचे वाली साइड में जो है मडगार्ड जो मेरा था ये टूट गया था हाफ, तो हाफ टूटने के बाद मैंने इसमें मडगार्ड में दो होल करके यहाँ पर बोल्ट से इसको नीचे वाली क्लैंप थी उस पर फिट कर दिया। अब रही दोनों वाली, जो दोनों मैंने फोल्ड कर दी, इस पर मैंने ये ब्लेड जो है वेल्डिंग करके हेडलाइट फिट कर दी। तो अब ये फोल्ड होने के बाद में आगे से कवर जैसा हो गया, तो पूरी जो वायरिंग है, जो भी बॉक्स वगैरह कपलर वगैरह जितने भी पार्ट्स थे इसके वायरिंग के, वो मैंने हैंडल और इसके बीच में जो है यहाँ पर फिट कर दिए। तो इस वजह से जो है ये इजीली यहाँ पर अच्छे से फिट हो गया। आप कैसे ये हैंडल टर्न करो चाहे कुछ करो, इसके वायरिंग और कपलर जो है ना तो दिखते हैं बाहर से ना ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर उसी प्लेस पर फिट हो चुके हैं जैसे आप देख रहे हैं। आई होप यहाँ से आपको क्लियर जो है दिख रहा होगा, ये सारे बॉक्स और वायरिंग जो है ये दोनों ब्लेड्स के पीछे की तरफ इजीली जो है फिट हो चुके हैं। तो आप वायरिंग को हाइड करना है अगर, तो आप इन दोनों ब्लेड्स को बैंड कर दें, बैंड करके उसके पीछे ही आप इसको फिट कर दें। सो गाइस, इसके बाद जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं स्पीडोमीटर को लेकर के, तो यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन की सबसे पहले हम बात करें, तो यहाँ पर मैंने एक एल शेप की जो है ब्लेड ली, उसमें यहाँ पर होल किए। होल करने के बाद यहाँ पर मैंने जो इसके बोल्ट और नट वगैरह दिए होते हैं उनको यहाँ पर ईजिली इसको लगा करके इसके जो नट हैं उनसे टाइट कर दिया। उसके बाद में ये एल शेप की जो ब्लेड है, यहाँ पर जो मैंने ये ब्लेड वेल्ड की थी इसी का जो बोल्ट था, जो हेडलाइट का बोल्ट था, उसी से इसको फिट कर दिया। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिलता है, अच्छे से इसकी इंस्टॉलेशन हो गई। अब आपकी बाइक में अगर इससे कोई बेटर ऑप्शन है उसको इंस्टॉल करने का, या फिर आपके कोई स्ट्रेट ब्लेड वगैरह दी हुई हो, तो आप इसको डायरेक्टली जो है उस पर फिट कर सकते हैं। अब हम बात करें इसकी वायरिंग की,
इसके अंदर तीन कपलर दिए हुए थे, एक तो 3 वायर पिन थी, एक 6 वायर पिन थी। तो मैंने उनको कट करके जो पल्सर 180 के स्पीडोमीटर के जो ओरिजिनल कपलर होते हैं जो बाइक के साथ दिए होते हैं, उन कपलर को मैंने यहाँ बीच से कट करके इसकी वायरिंग फाइंड करके कि कौन सा फ्यूल मीटर का है, कौन सा इंडिकेटर का है, कौन सा न्यूट्रल लाइट का है, सारे वायर पहले फाइंड किए। फाइंड करने के बाद उनको अटैच किया कपलर के अकॉर्डिंग। तो ये अगर आपकी बाइक में डायरेक्ट ऐसा 6 पिन जो प्लग है उसमें इजीली वर्क कर रहा है तो आप उससे इंस्टॉल कर सकते, नहीं है तो आपको वायरिंग में चेंज करने ही होंगे स्पीडोमीटर को इंस्टॉल करने के लिए। तो मेरे को भी इसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़े थे वायरिंग में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसका लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसकी वायरिंग देख सकते हैं। अगर आपको पल्सर 180 के अंदर इसको इंस्टॉल करना है तो काफ़ी ईजी इंस्टॉलेशन है इसकी भी, पर थोड़ा सा अगर आपको जहाँ एफर्ट्स करने होंगे वो ये होंगे कि इसकी वायरिंग का एडजस्टमेंट करना अपनी बाइक के अकॉर्डिंग, जो बाइक की वायरिंग है उसके अकॉर्डिंग जो कपलर दिए हुए हैं उसमें आपको वायर फाइंड करना होगा कि कौन सा स्पीडोमीटर का है, कौन सा इसका फ्यूल मीटर का है, फ्यूल गेज का कौन सा वायर है, न्यूट्रल इंडिकेटर हेडलाइट की लाइट का कौन सा वायर है। तो उसके बाद आप इजीली इसकी जो है फायरिंग कंप्लीट कर पाओगे। तो गाइज ये है इनके आंसर्स जो आपके क्वेश्चन होते हैं पल्सर 180 के मॉडिफिकेशन को लेके। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।